तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कोविड टेस्ट कर लिया जाए यार, क्योंकि देखो बढ़ रहा है ओमिक्रॉन, इंडिया में भी बढ़ रहा है, यहाँ पे भी बढ़ रहा है। यहाँ पे ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है जैसे इंडिया में है, लॉकडाउन नहीं है, कोई भी कर्फ्यू नहीं लगता, कोई नाइट लॉकडाउन नहीं, कुछ नहीं है, सब चीजें नॉर्मल है। प्रेगनेंसी टेस्ट की एक किट आती थी, वो वाली किट हमें दी गई। तो जब मैंने खोला एक बार तो मुझे लगा कि कोई गलती से तो नहीं मुझे कुछ दे दिया भाई, मेरा इससे क्या मतलब। फाइनली इतने दिन के बाद बारिश बंद हो चुकी है, आज बारिश नहीं हुई सुबह से, और आज तो यार बड़ी चीज़ें हुई। अभी मीटिंग ख़त्म हुई है क्योंकि सुबह वाली मीटिंग में कोई भी अटेंड नहीं कर पाया, पता नहीं कल रात को थोड़ा सा लेट सोया, वीडियो वगैरह एडिट कर रहा था क्योंकि पहला वीलॉग कल चालू किया था, तो सुबह उठ नहीं पाया। ऊपर से मेरे को थोड़ा सा आज सिम्टम लग रहे हैं, मेरा गला ख़राब है, मुझे बुखार सा भी रात को लगा था, तो मैंने सोचा क्यों ना कोविड टेस्ट कर लिया जाए। तो अभी कोविड टेस्ट की करवाने जा रहा हूँ, तो मेरे फ्रेंड ने वहाँ से करवाया था, तो देखते हैं कितनी लंबी लाइन लगी मिलेगी। तो यार आज सुबह क्या हुआ कि मेरे को, मेरी मीटिंग्स थी 9 बजे थी, एक मीटिंग जो सुबह होती है, स्क्रम होता है एवरीडे जिसमें हमें अपडेट देनी होती है। तो हमारे ऑफिस में दिन डिवाइड कर रखे हैं कि इस दिन हमें हमारे पे ऑपरेशन टीम को बोलना है, इस दिन हमें सिक्योरिटी टीम को अपनी अपडेट देनी है, और सिक्योरिटी टीम में मैं ही मेन हूँ, मेरे ऊपर मेरी CISO है जो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर है, लेकिन वो पार्ट टाइम वर्क करती है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है लेकिन वो पार्ट टाइम वर्क करती है, तो वो एक ही दिन मतलब फ्राइडे को ही ज्वाइन करती है हमारी कॉल को, तो एवरी वीक मुझे ही सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो आज जो था, आज मेरा दिन था, मुझे बोलना था, मुझे अपडेट देनी थी, मुझे कुछ चीज़ें बहुत सारी पेंडिंग पड़ी थी, जो चीज़ें मुझे दूसरे मतलब अपने जो कलीग हैं उनको पास करनी थी कि भाई इस प्रोजेक्ट पे यहाँ तक काम हो चुका है, यानी आप समझ रहे हो ना जो ऑफिस वर्क में होता है कि आपको रीसेंट अपडेट देनी, दूसरों से लेनी, उनको कोई अगर हमारी सिक्योरिटी पोस्चर में कोई नई रिकमेंडेशन है, कुछ एड ऑन हमें करना है, तो वो वाली चीजें उनको बतानी थी। तो रात को मैं वीडियो एडिट कर रहा था, बहुत लेट सोया, तो मैं 2 बजे के अराउंड सोया हूँ, और रात को ना मेरे को वैसे ही थोड़ा सा हल्का हल्का ऐसे लग रहा था कि या तो ठंड करके लगा लो कि कल मैंने ठंड के कपड़े नहीं पहने थे, मैं ऐसे ही शाम को बाहर निकल गया ऐसे ही वॉक के लिए, तो हो सकता है इस वजह से भी मुझे लग रहा है, लेकिन सुबह ना उठा नहीं गया मेरे से। मैंने अलार्म लगाता हूँ, मैं हमेशा मेरे अलार्म लगते हैं हर 5 मिनट में, अगर मैं 9 बजे उठता हूँ तो मेरा एक अलार्म चालू होता है 8:30, 8:35, 8:36, 8:38, 8:40, 8:45, 8:50, 8:55, 8:56, 8:57, लाइक मैं कम से कम मेरे रैंडम अलार्म होते हैं मेरे पास 15 से 20। वो क्यों होते हैं? क्योंकि मैं उठ नहीं पाता हूँ, और बहुत सारे आप लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि घर पे भी मुझे यही कहते हैं, मम्मी को भी यही प्रॉब्लम रहती है कि मैं सुबह नहीं उठ पाता हूँ, रात को मेरे को कितनी लेट सुला लो सुबह नहीं उठ पाऊंगा। तो सुबह 9 वाली मीटिंग मिस होगी, उन्होंने मेरा वेट किया कोई फायदा नहीं हुआ, उन्होंने ईमेल की कोई फायदा नहीं हुआ, 10 वाली भी मिस होगी वो, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, 10:30 बजे मेरी एक थर्ड पार्टी है हमारी, जो वेंडर है हमारा, उसके साथ मेरी मीटिंग थी, उसने भी वो मीटिंग कैंसिल कर दी 15 मिनट की। 11:05 में मेरी आंख खुलती है, मैं उठा, मैंने देखा अरे भाई अलार्म बज बज के बंद हो चुके थे, मुझे पता भी नहीं कब हुए, क्या हुआ क्या नहीं, मैं जल्दी से मैंने ऑफिस लैपटॉप पे बैठा, मैं जाके तो मैंने देखा कि क्या किसी की मेल वगैरह क्या हुआ, आज तो सारी मीटिंग कैंसिल होगी, तो मैंने सबको बैक टू बैक मेल रिप्लाई किया, लेकिन मेरे को ना थोड़ी सी फिर भी हरारत थी, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कोविड टेस्ट कर लिया जाए यार, क्योंकि देखो बढ़ रहा है ओमिक्रॉन, इंडिया में भी बढ़ रहा है, यहाँ पे भी बढ़ रहा है, यहाँ पे ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है जैसे इंडिया में है, लॉकडाउन नहीं है, कोई भी कर्फ्यू नहीं लगता, कोई नाइट लॉकडाउन नहीं, कुछ नहीं है, सब चीज़ें नॉर्मल है, सिर्फ मास्क मैंडेटरी है, और ऊपर से जिसका वैक्सीन कार्ड बना हुआ है, वैक्सीन कार्ड का मतलब है जिसकी दोनों डोज कंप्लीट है, तो यहाँ पे एक कार्ड बन जाता है, एक आपको एक QR कोड, आपने देखा होगा एक QR कोड होता है, अगर किसी को नहीं पता, अब मैं कैसे समझाऊँ मुझे भी नहीं पता, बट एक QR कोड होता है वो वाला आपको दे दिया जाता है, तो आप किसी भी रेस्टोरेंट में अगर एंट्री करते हो, ये कंडीशन बना दी, तो सबको वो वैक्सीन कार्ड दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आपको एंट्री नहीं मिलती, इवन आप किसी मूवी थिएटर में जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, डोर पर वो खड़े मिलते हैं, तो वो वाला QR कोड जो है वो स्कैन करना पड़ता। तो ये कोविड का जो ड्राइव थ्रू जो मैंने टेस्ट बताया था उसके लिए लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, वो उधर पैदल जो आए हैं यानी वॉक इन के लिए जिनके पास गाड़ी नहीं है वो वहाँ पे लाइन में खड़े हैं, तो यहाँ से ये अंदर गाड़ियाँ जाती हैं, आपका टेस्ट होता है, रिपोर्ट मिलती है और आपको पता चल जाता है आप कोविड है आपको या नहीं है। तो ये ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि ये अपना एक लेन जाने की है एक आने की है, तो ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो यार देखो ये गवर्नमेंट फैसिलिटी तो बहुत ज़्यादा देती है, तो और लोग फॉलो भी करते हैं इनकी चीज़ें,
अपने इंडिया में थोड़ा सा ये है कि हम थोड़ा सा नहीं करते। दूसरा इसका रीजन ये नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन भी ज्यादा ना, इतनी ज्यादा फैसिलिटी कर नहीं सकती ना गवर्नमेंट। यहाँ पे गिने चुने लोग हैं यार, उनके लिए फिर टैक्स इतना काटते हैं, टैक्स बहुत ज्यादा कटता है। मतलब मैं महीने का $2,000 टैक्स पे करता हूँ, ऑलमोस्ट 1800 से $2,000 के बीच में मेरा टैक्स जाता है एक बंदे से ले रहे। तो मेरे को अगर वो मेरा टैक्स नहीं काटेंगे, आप सोच के चलो वो मेरा टैक्स नहीं कटे, तो मेरे तो इंडिया के 1,00,000 के करीब हो गए ना। मैं तो जोड़ सकता हूँ इंडिया में कितने लोग 1,00,000 टैक्स एक महीने का देते हैं। इवन बिजनेसमैन कितने पकड़े जाते हैं टैक्स चोरी करते हुए। तो इसलिए इंडिया में एक तो पॉपुलेशन ज्यादा होगी, एक टैक्स नहीं भरते हम तो इसलिए भी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए ये सारी चीजें होती है। बाकी यहाँ पे टैक्स तो पहले ही कट के ही मिलता है, आपके हाथ में तो आना ही नहीं, आपको बाद में भरने की जरूरत भी नहीं। अगर आप बिजनेस वाले हो तो अलग बात है, बाद में भरना पड़ता है साल के एंड में। तो ये कोविड की टेस्टिंग की साइट है, नो फोटोग्राफ। सो गाइस, वीडियो बंद करनी पड़ गई थी, वहां की वीडियो नहीं बना सकते थे, उन्होंने लिख रखा था कोई फोटो नहीं ले सकते, कोई वीडियो नहीं बना सकते। तो यार पहले जो टेस्ट होते थे वो कुछ और होते थे, इस बार तो इन्होंने मुझे ये दिया है। क्या है ये, इसी में बता रहे हैं कि घर जाके, इसमें सारी इंस्ट्रक्शन है, घर जाके खुद ही करना है। अगर आपका कोविड पॉजिटिव आते हो तो आपको क्वारंटीन करना है खुद अपनी जगह पे, अपनी प्लेस पे, और वो डिपेंड करता है कितने दिन करना पड़ेगा। आपका दोबारा से टेस्ट होना है, अगर आपको दोबारा से सिम्टम नहीं आते हैं तो आपको दोबारा टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको 5 या 7 दिन वेट करने को इन्होंने बोला है कि 5 दिन मिनिमम आप वेट करो, उसके बाद आप दोबारा एक बार देखो। आपको अगर फील होता है कि आपको स्टिल सिम्टम है तो ठीक है, आप आओ दोबारा से किट ले जाओ, नहीं तो आपको जरूरत नहीं है। तो अब जाके जो मेन मुद्दा अड़ गया है आज का, कि इसमें ऐसे कैसे टेस्ट करना है। क्योंकि पहले तो वो होता था यहाँ पे खड़े होते थे तो वो आपकी नाक में ऐसे ही करते थे खुजली सी और वो अपना ले जाते थे। अरे यार मास्क तो मैंने हटाया नहीं, हाँ उधर मास्क पहनना जरूरी था। तो अरे बाप रे बाप यार, आजकल मास्क ने तो बस घुटन ही कर दी है जिंदगी में। जिंदगी कितनी रंगीन होती थी, आजकल बिल्कुल कहते हैं ना कि कहीं जाओ, बस में जाओ, रेस्टोरेंट पे जाओ, साला लोग पहचानना बंद कर देते हैं। लेकिन इसका एक फायदा भी हुआ है, इंडिया में तो फायदा हुआ ही हुआ है कि लोग कहते हैं ना कि मेरा तो कलर साफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जब भी बाहर निकलते हैं तो पूरे फेस को कवर करता, स्पेशली गर्मी टाइम पे ऐसा हुआ था, समर टाइम पे, उस टाइम पे ऐसा होता था। तो यार देखते हैं, मौसम बारिश दोबारा स्टार्ट हो गई है, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी चालू हो गई है। इस किट का टेस्ट करने के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। होपफुली भगवान करे कोई पॉजिटिव ना ही आऊं, नहीं तो क्वारंटीन करना पड़ेगा। वैसे तो वर्क फ्रॉम होम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल बाहर नहीं जा पाऊंगा फिर ना कहीं पे भी इधर उधर। और घर में फंसा रह के इंसान यहाँ पे घर में बोर हो जाते हैं यार। सब जो दो लड़के रहते हैं वो अपना साउथ इंडिया से हैं, तो वो अपना जॉब पे चले जाएंगे तो मैं घर पे पड़ा रहता हूँ। तो कोई मतलब कहते हैं ना टीवी देखते रहो, गेम खेलते रहो। आजकल मैं पबजी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, COD पे भी, कॉल ऑफ ड्यूटी पे भी। आप में से भी बहुत सारे लोग खेल रहे हैं पबजी, क्योंकि इंडिया में तो बैन था बट इंडिया में कुछ और दूसरा वर्जन बता रहे हैं इसका, क्योंकि मैंने इंडिया में कभी पबजी नहीं खेला था। तो चलो यार, ये करने के बाद देखते हैं अगला क्या करना है, फिर बताते हैं शाम को क्या प्लान रहने वाला है, क्योंकि भूख भी लगी है। मैं भी कहीं से कुछ खा लेता हूँ या ऑर्डर कर लूंगा। घर जाने से पहले एक काम और याद आ गया था, लॉन्ड्री डाल रखी थी मैंने होने के लिए, तो उन्होंने फोल्ड करके रेडी कर रखी थी, तो बस वो उठा ली है, अब जाएंगे। यार एक बात तो माननी पड़ेगी, ऐसे मौसम में ना ड्राइव करने में मजा बहुत आता है। इवन इंडिया में भी ऐसे मौसम में हम ड्राइव करते थे, मुझे याद है मेरा एक फ्रेंड होता था, हम सेक्टर 12 वाले रोड पे, सेक्टर 14 और 15 का जो रोड है सोनीपत में, वहां पे हम ड्राइव करते थे। इवन उस टाइम पे तो बुलेट बाइक होती थी, उस पे हम राइड करते थे। इवन 23 सेक्टर में भी पीछे वाला रोड है, खासकर ऐसे मौसम में जब हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही हो या बूंदाबांदी स्टार्ट हुई ही ना हो, बड़ा अलग ही मजा है। और दूसरा यार, आज तो ना बस मेरा भी है ना पहली बार चाय पीने का मन कर गया, या तो मैं निकला हूँ बारिश में इसलिए, वैसे मैं निकलता नहीं हूँ, या तो इसलिए मेरा मन कर गया। तो मुझे आज एक चीज याद आई, मेरा एक फ्रेंड होता था कॉलेज टाइम पे, तो हम जब भी कॉलेज में जाते थे तो वो कैंटीन में ना चाय ऑर्डर करता था, कहता था चाय। तो मैं उसको कहता था, क्योंकि मैंने कभी चाय नहीं पी अपनी लाइफ में, बहुत रेयर मतलब मैं पीता हूँ कभी, मेरे लिए चाय है कि मुझे बुखार हो गया, खांसी जुकाम हो गया, तो चाय मेरा ठीक कर देगी, तो तब मैं चाय पीता हूँ।
तो मैं किसी के घर जाऊं तब भी नहीं पीता हूं, तो और ना मैं दूध पीता हूं किसी के घर जाऊं, अपने घर में पी लेता हूं। तो आज उसकी बात याद आई, तो उसको मैं कहता था चाय में क्या मजा आता है यार तुझे, तो वो ना पता है एक चीज कहता था अरे छोड़ यार दुनियादारी, चाय क्रश है हमारा, क्रश मतलब उस टाइम पे कॉलेज टाइम में वो इतना मतलब फालतू की बातें करने वाला लड़का था, इवन हमारा ग्रुप भी सारा ऐसा था। तो वो जब ये कहता था ना चाय क्रश है मेरा, और आजकल मैं इंस्टा पे भी बहुत सारे स्टेटस देखता हूँ, बहुत सारी स्टोरीज देखता हूँ, एक रील बड़ी वायरल होती है, एक पहले वायरल हुई थी कि तुमने तो मेरी चाय ठंडी करवा दी, कुछ ऐसे करके कोई डायलॉग था जिसपे चाय दिखा रहे थे लोग, अब वो चाय वाली चली हुई है। पता नहीं यार मतलब आपको सच में इतनी पसंद आती है चाय, मतलब क्या मिलता है चाय पीने से, मतलब ऐसा क्या सुकून मिलता है। मेरा तो चलो आज मेरा मन है, मेरे को पता है मेरे को बनानी नहीं आती, मिलनी मुझे है नहीं, शॉप मेरे को ढूंढनी पड़ेगी, नहीं तो मुझे सरी जाना पड़ेगा। सरी आपने गानों में भी सुना होगा, सारे बहुत सारे सिंगर भी उधर रहते हैं, जेजी भी हुआ अपना करण ओजला इधर रहता है रिचमंड की साइड में। अच्छा मतलब सरी में बहुत सारे सिंगर हैं और आपके टीवी एक्टर हैं पंजाबी जो आगे रहते हैं, तो सरी अपना ये कह सकते हो मिनी पंजाब वैंकूवर में, इवन वैंकूवर में भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सरी में आपको वो वाला माहौल मिलता है और वो अच्छा भी लगता है उन लोगों को, क्योंकि वहाँ पे सारी शॉप्स अच्छी हैं। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे खाना पीना अच्छा मिलता है, वहाँ पे चटपटा खाना कुछ भी खाओ, गोलगप्पे लेके टिक्की पापड़ी, देखो स्वाद वैसा नहीं मिलेगा जो हरियाणा या सोनीपत, या भाई सोनीपत भी छोड़ो, जो इंडिया का स्वाद है ऑल ओवर इंडिया में जो आपको मसालों का स्वाद मिलेगा वो आपको बाहर किसी भी कंट्री में नहीं मिलता। खुद से बना लो लेकिन मसाले फिर भी इंडिया से इंपोर्ट करवाने पड़ते हैं तभी वो स्वाद आता है, यहाँ के मसालों में भी दम नहीं है। वैसे फ्रूटिकाना पे आपको सारे मसाले मिल जाते हैं, MDH लेज है, सारी चीजें अवेलेबल है फ्रूटिकाना पे, तो उसके लिए भी मैं एक दिन जिस दिन जाऊंगा उस दिन आपको दिखाऊंगा, हर चीज अवेलेबल है यहाँ इंडिया की, कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं मिलती है। तो इसलिए मैं सरी जाता हूँ, और सरी यहाँ से पड़ता है यार 35-40 किलोमीटर पड़ता है, 25-30 मिनट लग जाएंगी, 4 बज चुके हैं, जाऊंगा चाय पीने के लिए, शाम का खाने का टाइम हो जाएगा। वैसे आइडिया अच्छा है, बाहर का खाना भी आज मैं वहीं से खा सकता हूँ, बट देखते हैं अगर गया तो। बाकी चाय की बात थी मेन, चाय और समोसे। हाँ समोसे मैं कल भी खाए मैंने, रात को मैं भूल गया वीडियो बनानी, कल भी मैंने समोसे खाए, बड़ा मन किया मेरा, और चाय का आज मन है, बट चलो कोल्ड ड्रिंक से काम चला लेंगे। तो भाई टाइम बज चुके हैं ऑलमोस्ट 6:45 हो गए हैं शाम के, बारिश बिल्कुल जमाजम हो रही है तब से जब से मैं लॉन्ड्री और वो कोविड टेस्ट की किट लेके आया था, और हाँ कोविड टेस्ट डन हो चुका है, नेगेटिव मिला है फिलहाल के लिए, बाकी 5 दिन तक मैंने दोबारा सिम्टम्स को मॉनिटर करना है, अगर लगता है तो दोबारा जाके कोविड टेस्ट एक बार जरूर कर लेना है। और वही था लॉन्ड्री इस बार मैंने, मैं घर पे नहीं कर पाया, यहाँ पे कौन सा माँ बैठी है यार या कोई घरवाला है जो तुम्हारी लॉन्ड्री कर देगा, यहाँ सब काम खुद करने पड़ते हैं, इसीलिए बंदा इंडिपेंडेंट बन जाता है इधर तो। लेकिन इस वीक मैं नहीं कर पाया था, थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा था, जॉब पे थोड़ा सा काम ज़्यादा था, तो मैंने बाहर से ही करवा ली थी। तो या तो आप खुद कर लो यहाँ पे लॉन्ड्री, या आप उनको दे आओ, वो आपको लॉन्ड्री करके पैक करके रख देते हैं सामान, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो चाय तो पी नहीं, बट हाँ पेप्सी और पिज़्ज़ा खा लिया था भाई अभी, तो पेट गया भर आज के लिए। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी मैं सीधा घर जा रहा हूँ, पेट्रोल मैंने डलवा लिया है, गैस डलवा ली है गाड़ी में, तो अभी सीधा घर जाऊँगा, जाके आज सोऊँगा, क्योंकि सुबह जैसे मैंने बताया थोड़ी सी हरकत थी मुझे, तो और अभी बारिश भी हो रही है, तो मैंने गरम गरम पिज़्ज़ा खाया है, और थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि जाके मैं गरम दूध करके पी लूँ, बट यार पेप्सी के ऊपर नहीं पिया जाएगा छोड़ो। तो बस घर जाके मैंने सो जाना है, थोड़ा बहुत खेलूँगा तो एक दो बार गेम खेलना है, एक दो बार खेल लेता हूँ, क्योंकि सारे यार दोस्त वेट कर रहे होते हैं शाम को। तो मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ, तब तक आप भी अपना ध्यान रखना, कोविड से बच के रहना, ओमिक्रॉन के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी बढ़ रहे हैं, अब ये सच है झूठ है हमें नहीं पता, बट आपको अपनी तरफ से सेफ्टी करनी बहुत ज़रूरी है, प्रिकॉशन लेने बहुत ज़रूरी है। तो स्टे सेफ स्टे हैप्पी, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, और कल सुबह जल्दी उठ के वीडियो बनाने वाला हूँ, तो तब तक के लिए गुड बाय, राम राम सबको, छोटे बड़े सबको। और हाँ एक चीज मैं बतानी भूल गया, जो वो उन्होंने पाउच दिया था, जो किट दी थी, वो किट काइंड ऑफ आपने इंडिया में बहुत सारी एड देखी होंगी, मैंने तो बहुत टीवी पे देखी है, आती थी
प्रेगनेंसी टेस्ट की एक किट आती थी, वो वाली किट हमें दी गई। तो जब मैंने खोला एक बार तो मुझे लगा कि कोई गलती से तो नहीं मुझे कुछ दे दिया, भाई मेरा इससे क्या मतलब। तो लेकिन जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने लिख रखी थी तो उस पे उन्होंने सेम वही प्रोसेस लिख रखी थी कि वही जो किट है वो हम यूज कर रहे हैं, और अगर आप पॉजिटिव हो गए तो आपको दो लाइनें दिखेंगी, एक सी पे एक टी पे, अगर आप नेगेटिव हो तो एक ही लाइन आएगी जब आप अपना वो जो सैंपल उस पे डालते हो। तो वो वही सेम एग्जैक्ट वही फॉर्मूला है वो यूज कर रहे हैं, और मेरे को तो बड़ा वो लगा क्योंकि मैंने बताया था ना जब मैं ड्राइव थ्रू पहले हमने टेस्ट करवाया था तो वहाँ पे बंदे खड़े होते थे, वो वहीं पे आपका सैंपल लेके लैब में भेज देते थे और फिर अगले दिन रिपोर्ट आती थी आपकी। लेकिन इस बार ये घर पे ही दे रहे, तो मेरे को लगा कि यार पता नहीं क्या है, बट जो भी था अच्छा लगा यार, इतनी फास्ट बंदा अपने आप ही टेस्ट कर रहा है। पहले तो जब ये स्टार्ट हुआ था, देखो जब से ये स्टार्ट हुआ है और अभी तक कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है इस चीज में। लोगों ने पहले तो कितने डरते थे, अब लोग क्या है कि एक रूम में क्वारंटीन हो जाओ, स्प्रे कर दो उससे भी काम चल जाएगा, मास्क लगा लो उससे भी। पहले तो लोग एक दूसरे को देखने से डर रहे थे, तो वही है धीरे धीरे ये चीज चली जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल खत्म नहीं होने वाली है। तो मैंने तो आज कर ली यार टेस्टिंग बड़ा वियर्ड सा टेस्ट था, तो बस यही बताना था, बाकी गुड नाइट।